जैसे आप टॉपर हैं स्कॉलर हैं यूएन में काम कर चुके हैं डिप्लोमेसी जानते हैं आप कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं इतने पढ़े लिखे आदमी की ज़रूरत है आज की राजनीति में आजकल मेरे ख्याल में राजनीति में ऐसे लोग भी अट्रैक्टेड हो रहे हो गए हैं जिसकी बैकग्राउंड अलग है मेरे मेरे तो राजनीतिक परिवार नहीं है मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं था ना मेरे बच्चे आने चाहते हैं राजनीति में मैं सिर्फ एक व्यक्ति हूँ जिसको एक मौका मिला और मैंने सोचा कि हाँ मेरी ज़िंदगी में मैं हर आई ऑलवेज वॉन्टेड टू मेक अ डिफरेंस तो मेरे आने से शायद कुछ फ़र्क ले आ सकता एक आपका स्टेटमेंट मैंने देखा आपने कहा कि पॉलिटिक्स में आने का मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ उल्टा खर्चा ही होता है वो तो सही है क्योंकि आ, आप ये भी समझना चाहिए कि कई लोग अभी भी हैं हमारे राजनीति में जो राजनीति से पैसे कमाना कोशिश करते हैं जो अपने इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके किसी से पैसे लेते हैं वगैरह ये किस्म के राजनीति में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मैं मेरे ही पैसे से एक छोटा सा पारिवारिक फाउंडेशन बनाया है में जब लोग मुझे आते हैं कठिनाइयों के साथ जिसके लिए कोई ऑफिशियल आंसर नहीं जवाब नहीं है फॉर एग्जांपल अगर कोई आता है कि एक सरकारी अस्पताल में कैंसर का एक ऑपरेशन चाहिए मैं तो प्रधानमंत्री के रिलीफ फ़ंड पर भेज सकता हूँ मुख्यमंत्री का भी रिलीफ फ़ंड होता है लेकिन जब कोई आके कहते हैं कि देखिए मेरा ऑपरेशन हो चुका है लेकिन दवाई के लिए पैसे नहीं आप दे दीजिए मेरा ही जेब से देना पड़ता है तो इसलिए मैंने फाउंडेशन बना के ऐसे देता हूँ क्योंकि आपको ये भी समझना चाहिए कि लेकिन आपकी पार्टी के जो लीडर हैं राहुल गांधी हैं सोनिया गांधी हैं यह भी आपसे नाराज होंगे उनकी मर्जी के खिलाफ आपने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा देखिए मैं उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं लड़ा था मैं लड़ा क्योंकि मैं कुछ बदलाव ले आना चाहता था आप पार्टी उनकी पार्टी मर्जी के कैंडिडेट तो नहीं थे नहीं सही है मैं मैं जब लड़ने के बारे में सोच रहा था मैं सोने जी से जाके मिला मैं प्रियंका जी से जाके मिला और भारत जोड़ो यात्रा में मैं राहुल गांधी जी से जाके मिला और तीनों से मैंने पूछा देखिए मैं आप लोगों के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन मैं पार्टी में कुछ बदलाव ले आना चाहता हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप एक लोकतंत्रिक चुनाव ऑथराइज करेंगे तो मैं इसमें भाग लेना चाहूँगा आपकी क्या सोच है मैं मैं एक्चुअली तैयार था कि वो लोग कहें कि मत कीजिए क्योंकि हमारे पार्टी में हम एकता चाहिए आप आप ऐसे कुछ मत ले आइए आप आप अलग हो जाइए लेकिन ऐसे नहीं कहा तीनों मुझे प्रोत्साहित करके कहा कि आप जाइए इट्स गुड फॉर द पार्टी चुनाव होने दीजिए मैं जो भी कंटेस्ट करना चाहते हैं हम उनको इजाज़त दे देंगे तो मैंने इसी स्पिरिट पर अंदर आया फिर पता चला कि हाँ एक ऑफिशियल कैंडिडेट तो था तो उसके बाद ये क्लियर था कि बात अलग होगी लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक बार एक स्टेप मैंने, तो उसका पूर्ति करनी चाहिए अंत कहते हैं कि आपको इसलिए लड़ने दिया ताकि लेजिटिमेसी मिल जाए चुनाव को चुनाव हुआ और हार देखिए मेरे ख्याल में लेजिटिमेसी हुई है क्योंकि अंत में सुनेज जी मुझे कहा कि वॉट यू हैव डन अ द पार्टी। मैं खुश हूं कि अगर ये हुआ है क्योंकि आप पार्टी को मजबूत करना ही चाहते हैं खरगे साहब ने जीता है मैं उसको पूरा समान देता हूँ जो भी वो तय करेगा वही होगा पार्टी का खरगे साहब नहीं कहते कि जो वो तय करेंगे वो कहते हैं जो हाई कमांड तय करेगा वो मैं करूंगा है। ये हाई कमांड शब्द हाँ हमारे पार्टी में आए हैं कुछ साल पहले अभी ये इस्तेमाल करते हैं कहाँ से आया था ये शब्द इतिहास पढ़ के मैं सिर्फ ये पहले सुनने लगा वर्ल्ड वॉर टू में तो दूसरा जो युद्ध था महायुद्ध उसमें तो जर्मन आर्मी में हाई कमांड होता था तो पता नहीं वहां से लेके किसी ने हमारे कांग्रेस पे ये डाल दिया और हम लोग भी इस्तेमाल करने शुरू किए लेकिन यही है हाई कमांड ये हाई कमांड जिसको जहरीला सांप कहा जिसको नालायक कहा जिसको मौत का सौदागर कहा उसके साथ आप कैसे रिलेशन दिखाते हैं उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ प्रधानमंत्री मेरी कंस्टिट्यूंसी आया हुआ था हाँ तिरुवनंतपुरम ये वो टाइम है जब कर्नाटक में चुनाव हो रहे थे आपकी पार्टियों ने फुल थॉटल अटैक प्रधानमंत्री पर किया हुआ था अरे मैं खुद जाके प्रचार किया कर्नाटक में मैं तीन दिन बेंगलुरु में प्रचार करने के बाद आया हुआ था लेकिन यह है कि जब प्रधानमंत्री हमारी कंस्टिटी आएंगी तो मेरा मेरा फर्ज है मेरी जिम्मेदारी है कि, कि जगह का एमपी होते हुए कि प्रधानमंत्री को स्वीकार करना चाहिए ये तो नॉर्मल है और मैं मैं एक और चीज़ कहूंगा, मैं ऐसे आपको कहा कि मैं व्यक्ति का आरोप कभी नहीं किया किसी के भी ना मोदी साहब का ना किसी और का लेकिन हमारी लोकतंत्र में ये भी है कि एक स्थान के लिए भी एक एक हमें इज्जत देना चाहिए क्योंकि जब जनता चुन के किसी को प्रधानमंत्री बनाया है तो वो प्रधानमंत्री पोजीशन जब तक वो ऑक्यूपाई करेगा उसका रिस्पेक्ट उन्हें देना चाहिए और जब मैं कहता हूँ कि यहाँ शायद राजनीतिक दुश्मनी हो सकते हैं ही इज एन एडवर्सरी लेकिन जब विदेश जाता है हमारा देश का प्रधानमंत्री है मैं वहाँ उनके खिलाफ नहीं बोलता हूँ लेकिन जो आपकी पार्टी के लोग हैं अब गुलाम नबी आज़ाद आए थे आपकी अदालत में उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जब वो कांग्रेस में थे तो कोई भी अगर मोदी जी से मिले मोदी जी की तारीफ करे तो उसको मोदी का एजेंट कह देते हैं हाँ लेकिन ये ये सोच ठीक नहीं है मेरे खिलाफ भी ये सब सा, कितने साल से लोग कह रहे हैं कि मैं भाजपा जाने वाला हूँ मैं कहा तो मेरे दोस्त उनसे कहते हैं कि देखिए आप पढ़ लीजिए जो ये लिखता है उनका असली सोच तो आप इनका लेख में मिलेगा आपको आप, आप ऐसे मत सोचिए कि जो जिनकी मन में इतने क्लियर सिद्धांतें हैं इतने मूल्य है कि वो सडनली बदल के इसके खिलाफ जा सकता है लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम आपस में अच्छे रिलेशनशिप नहीं मेंटेन कर सकेंगे एक जमाने में मेरे ख्याल में वाजपेयी साहब जैसे नेहरू साहब के बारे में बोला उस किस्म की सोच आजकल नहीं हो रहा है हमारे देश में लेकिन वाजपेयी साहब के बारे में भी, भी कहते थे आप अच्छे आदमी है गलत पार्टी में <laughs> मैं ये भी सुनता हूँ कभी कभी मेरे पास। <laughs> ऐसे आपके बारे में भी यही बात कहते हैं कि आदमी अच्छे हैं पढ़े लिखे हैं लेकिन गलत पार्टी में देखिए मैं तो मेरे कन्विक्शंस के, के अनुसार एक पार्टी चुन लिया मैं तो सही बात कहूँ तो मेरे पहले आप किताबें देखिए મે સબકો ક્રિટિસાઈઝ કિયા હું કોંગ્રેસ કો ભી લેકિન મનમોહન સિંહ સાહબ ઓર નરસિમા રાવ કે કોંગ્રેસ મે જો બદલાવ લેકે આએ લિબરાલાઈઝેશન જો મેરા આરોપ થા કોંગ્રેસ કા કે બહોત જ્યાદા સ્ટેટિસ્ટ ઇકોનોમી ચલા રહે વો આરોપ લિબરાલાઈઝેશન કે સાથ ગિર ગયે ઓર ફિર ભાજપ પા જબ હમારે દેશ કો ય હિન્દુત્વ કે નામ પે બાંટને લગે મુજે લગા કે હમારે દેશ કા એકતા કે લિયે कांग्रेस की जो राजनीति है वही अच्छा है कि सब लोग को एक साथ में आप हिंदू हो मुसलमान हो आप मलयालम बोलते हो हिंदी बोलते हो ये सब कोई कोई बात नहीं है आप भारतवासी है तो हम एक हैं हम आपको एक ही तरह देखेंगे इस किस्म की राजनीति मुझे पसंद हुआ इसलिए मैं कांग्रेस में आया जैसे हिमंता बिश्व शर्मा बाईस साल कांग्रेस में रहे वो आपके अदालत में आए थे तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस में किसी भी आदमी का इतना अपमान होता है राहुल गांधी को मिलने गए तो जिस प्लेट में कुत्ता बिस्किट खा रहा था उसी प्लेट से उनको खाने को कहा खा गया था तो उन्होंने कहा कोई आदमी कैसे रह सकता है इस किस्म के घटने मुझे तो कभी नहीं हुआ तो मैं क्या बताऊं मैं इस कुत्ता को देखा नहीं मैं राहुल गांधी को कई बार देखा हूं मैं कहूंगा कि देखिए हर व्यक्ति आपने को कभी ही... इस कुत्ते को नहीं देखा वहां तो देखिए शायद शायद ये मेरी बदकिस्मती है लेकिन मैं सिर्फ काम के लिए जाता हूँ काम पे बात करने में मुझे ये ये मौका नहीं मिला और देखिए राहुल जी के साथ बात करना मुझे काफ़ी आसान लगा क्योंकि वो जवान आदमी है उसका सोच मैं उनके साथ संपर्क रहने में मुझे कठिनाई नहीं महसूस हुआ लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि हर व्यक्ति का अपना हाँ। आप कहाँ आप देखिए राहुल गांधी का कितना जिगरी दोस्त था ज्योतिरादित्य सिंधिया या जितिन प्रसाद या आर पी एन सिंह वो लोग को भी कहाँ हैं भाजपा में तो मैं क्या कह सकता हूँ ये ये जो दोस्ती के बारे में आप जो भी सोच सकेंगे अंत में हर राजनेता अपने ही चॉइस करते हैं आपको चौसा इतने सारे लोग गुलाम नबी आजाद शर्मा सिंधिया कितने सारे नाम लिए क्यों सब एक एक करके चले गए बिछड़े सभी बारी बारी देखिए राजनीति में आजकल ऐसे ही होता है आपको पता है कि कर्नाटक कि में कितने बड़े नेता एक मुख्यमंत्री भाजपा का एक उप मुख्यमंत्री भाजपा का उनको छोड़ के कांग्रेस में आ गया ऐसे तो होता ही है मैं नहीं कहूँगा कि अच्छी बात है क्योंकि मैं कहूंगा कि अगर आप राजनीति में हो आपका कुछ सोच होना चाहिए कोई कन्विक्शंस होना चाहिए कोई विश्वास होना चाहिए कोई सिद्धांतों के बारे में आप आप राजनीति कर अब मैंने सुना है कि आजकल आप पूरे केरल का दौरा कर रहे हैं जब मैं राजनीति में आना चाहता था तो लोग सोचते हैं कि आपका नेटिव प्लेस क्या है आप तो मैं तो केरल मेरे माता पिता केरल से हूँ उनके जन्म केरल में हुआ था तो इसलिए वहाँ से मुझे चुनाव लड़ना पड़ा तो ऐसे जिस राज्य में मैं कभी जिया नहीं था मैं सिर्फ हॉलीडेज़ के लिए बचपन में हर साल एक महीने के लिए जाता था वो मेरा कर्मभूमि बन गया और नेचुरली लोकसभा में ये होता है आपको पता है कि आप एक जगह से आपको जीतना पड़ता है तो मैं एक जगह जो केरल का राजधानी है तिरुवनंतपुरम वहाँ मेरे अभी मेरे रूट्स अभी वहाँ अब चौथी बार लड़ेंगे आप चुनाव वहाँ वो तो तय करने की बात है लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि तिरुवंतपुरम में हूँ लेकिन मुझे बहुत सारे इन्विटेशन दूसरे जगह से भी मिलता था और वक्त नहीं मिलता था जाने के लिए तो जब ये अध्यक्ष चुनाव के बाद मुझे ज़रा सा वक्त मिला मैं जाके कुछ इन्विटेशन को एक्सेप्ट करके कहीं और जाके बात किए और मुझे लोग कहने लगा कि देखिए अगर आप आपको दिल्ली में एक अच्छा रोल नहीं अच्छा भूमिका नहीं है आप केरला में आइए क्योंकि आपकी ज़रूरत है यहाँ तो मैंने सोचा सोचने लगा कि अगर हाँ इस किस्म की डिमांड है तो मैं क्यों नहीं सोचूं और इसके बारे में सोच रहा हूँ लेकिन मुझे पता है कि रेजिस्टेंस भी है कि कुछ लोग हैं मेरी पार्टी में जो ये पसंद नहीं करेगा आ, और मुझे मेरे भविष्य के बारे में आ, सोचना है मैं तो अभी एक पूरा करियर यूनाइटेड नेशंस में करके उनतीस साल करने के बाद अभी यहाँ पंद्रह साल आया कब तक काम करते रहूँ मैं ऐसी इस किस्म के राजनेता नहीं हूं जो अंत में हमारा फ्यूनरल पायर तक राजनीति करते रहूँगा अंत में हम सब चाहते हैं कि कभी भी जब आप आपको पता चला कि जितना भी फ़र्क आप लेके आते हैं लोगों की ज़िंदगी में कि वो फ़र्क ले आना आप शायद अभी कामयाब नहीं हो मैं अलग हटके मैं क्रिकेट देखना चाहूँगा किताब पढ़ना चाहूँगा मेरे पोते पोती के साथ खेलना चाहूँगा उस, उस वक्त का वक्त कब आएगा मुझे तय करना है शायद चौबीस में ही मैं ये तय करूँ या शायद आप पाँच छः साल के बाद तय करूँ लेकिन ये सब सोच के मैं ए, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि शशि थरूर अब केरल के चीफ मिनिस्टरशिप के दावेदार बनना चाहते हैं देखिए कुछ लोग मुझे इसके बारे में बोल रहे हैं और मैं भी नेचुरली सारे ऑप्शंस जब आप एग्जामिन करेंगे तिरुवनंतपुरम के लोग उनका विश्वास मुझे दिया है मैं उसको बिल्कुल बिट्रे नहीं करना चाहता हूँ मैं उम्मीदवार फिर बनूँ तो उनकी सेवा में ही बनना चाहिए आ, लेकिन आ, अगर दूसरे प्रॉस्पेक्ट है जैसे कि मेरे ही राज्य में आ, मुझे एक मौका मिला कि पार्टी के नेतृत्व देके कुछ बदलाव ले आएं तो ये भी शायद एक एक, एक अच्छी कंक्लूजन होगी मेरी राजनीतिक यात्रा में लेकिन ये सब तय करने के लिए मुझे और टाइम चाहिए मैं सब सब देख रहा हूँ ऑब्वियसली मेरी पार्टी की राय भी सुनना है दूसरे आ, दूसरे लोगों की राय भी सुनना है और सब सुन के एक डिसीजन ले लूँगा लेकिन अभी मुझे कुछ जब आप तय कर लेंगे तो मैं आपको फिर से आपके अदालत में बुलाऊंगा क्यों नहीं फॉरेन पॉलिसी की बात आती है एक आप हैं जिन्होंने लंदन में जाके स्पीच दी अंग्रेजों को उनका आईना दिखाया और उसकी बहुत तारीफ हुई एक राहुल गांधी हैं वो जब लंदन में और अमेरिका में जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी खत्म हो गई आप आइए जरा हमारा ख्याल करिए कुछ मदद करिए नहीं वो नहीं कहा देखिए ये आरोप ये गलत आरोप ये गलत आरोप है मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो जो अभी तारीफ बुझाएं कि राहुल गांधी जी ने कहा था कि हमारी डेमोक्रेसी में काफी चैलेंजेस है लेकिन उन्हें ये भी कहा कि हमारी जिम्मेदारी है इसको सॉल्व करने के लिए किसी और की नहीं ने कहा कि आप लोग को जानना चाहिए क्योंकि भारतीय लोकतंत्र जो है ये एक ग्लोबल पब्लिक गुड है पूरा दुनिया के लिए अच्छा है कि भारत लोकतांत्रिक रहे लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि आप आके कुछ कीजिए आप जानिए बस यही कहा उन्होंने लेकिन हमारी गलत बता देता तो उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा हाउ वुड यू रिएक्ट इफ डेमोक्रेसी सडनली डिस इन यूरोप यू विल बी शॉक एंड से माई गॉड द्रेसी एंड ऑलरेडी

चुनावी लोकतंत्रता हमारे पास है लेकिन जो दो चुनाव के के बीच में जो होता है इसमें तो कई चीज़ें की कमी है हमारे लोकतंत्र में इस ए, सकते, लेकिन ये शिकायत आपने तो कभी यूरोप में जाके नहीं की आपने तो कभी अमेरिका में जाके नहीं की सही है क्योंकि आ, मैं तो कुछ सालों से कह रहा हूँ कि कोई कांग्रेसी फॉरेन पॉलिसी और और, और भाजपा फॉरेन पॉलिसी नहीं है सिर्फ भारत की फॉरेन पॉलिसी है और भारत के इंटरेस्ट है तो मैं तो जब एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी का अध्यक्ष था मैं इसी 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 स्पिरिट में कह रहा था कि देखिए इस विषय पे जो भी हमारे राजनीतिक डिफ्रेंसेस होते हैं ये तो हमारे देश के सीमा पर रुक जाते हैं बाहर हमारे डिफ्रेंसेस नहीं कहना चाहिए लेकिन ये भी सही है कि इसको जो पहले आ, 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 तोड़ने लगा ये तो भाजपा और मोदी साहब है मोदी साहब विदेश में जाके कह रहा था कि हमारे देश में कुछ अच्छा नहीं हुआ साठ साल से कि जो हमारे पहले आए थे भारत को इतनी बुरी तरह से चलाए कि लोग गर्व से नहीं कहते थे कि वह भारतवासी थे इस किस्म के भाषण मोदी साहब ने विदेश में देने शुरू किया हमको आश्चर्य लगा क्योंकि कोई भी कोई भी हमारे प्रधानमंत्री उनकी राजनीति भारतीय राजनीति को विदेश पे बोलने नहीं लगा था ये मोदी जी ने पहला किया आप तो कहते हैं कि एस जयशंकर को फॉरेन मिनिस्टर बनाकर अच्छा किया अच्छा किया। एक स्पेशलिस्ट को डिप्लोमेट को बना के बिल्कुल एक दिन शायद पवन वर्मा भी बनना चाहिए क्योंकि हम हम चाहते हैं कि लोग जो ये करके उनका अनुभव है विदेशियों के बात करने का अनुभव है जो विषय जल्दी समझ लेते हैं ऐसे किस्म के लोगों को जिम्मेदारी आपकी चाहिए। पार्टी के नेता राहुल गांधी कहते हैं उनको चाइना की बिल्कुल समझ नहीं है वो चाइना की थ्रेट को नहीं समझ सकते चाइना चा, के बारे में हम सबको जरा सा चिंतित होना चाहिए क्योंकि आपको पता है सब लोग कहते हैं कि हमारे जो सीमा है हमारे जो फ्रंटियर है जो अनडिफाइंड है कोई क्लियर लाइन नहीं है जो दो, 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 दो दोनों देश सहमत हो तो उसमें ऐसे भी एरियाज थे कि दोनों साइड पेट्रोल करते थे हमारे पेट्रोल जाते थे रविवार को उनके पेट्रोल आते थे सोमवार को और आपस में कोई झगड़ा नहीं हुए क्योंकि हम जाते थे वापस आते थे हमारे हक हाँ साबित करने के लिए और वो भी ऐसे करते थे लेकिन अभी ऐसे पेट्रोलिंग प्ले स्टेशन में छब्बीस जगह आए हैं जहाँ भारतीय फौज जा नहीं सकता है और चाइना आके वहाँ कब्जे किए हैं ये जगह को अपने आ, अपने बैरक्स को या अपने बेसिस को वो वह, वहाँ स्थापित किए हैं तो इसके बारे में क्या कर रहे हैं हमारे साथ ये मैं... तो कांग्रेस पार्टी पूछ रही है हमें जवाब नहीं मिला प्रधानमंत्री ने कहा कि चाइना कुछ भूमि कुछ कुछ भूमि नहीं लिया भारतीय भूमि नहीं लिया लेकिन ये भारतीय भूमि है या नहीं वो दूसरी बात है लेकिन भूमि जहां तक भारतीय फौज जा सकता था ये भूमि क्यों चाइना को लेने दिया मैंने निर्मला सीतारमन का स्टेटमेंट सुना उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को चाइना की समझ चाइनीज एम्बेसडर से मिलती है <laughs> वो मुझे उन्हें फॉरन मिनिस्टर से पूछता में वो बहुत लोगों से मिलते हैं और बहुत लोगों की राय भी सुन के वो अपनी अपनी राय लेते हैं देखिए इस किस्म के आरोप देखिए आजकल क्या देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में प्राइम मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर को बॉस कहते हैं अमेरिकन प्रेजिडेंट कहते हैं मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए मोदी जी लेकिन जैसे मोदी जी ने खुद कहा ये तो एक व्यक्तिगत बात नहीं ये तो भारत के सम्मान है कि भारतीय प्रधानमंत्री जब आते हैं भारत एक ऐसा महत्वपूर्ण देश है कि लोग हमारे प्रधानमंत्री को इज्जत देते हैं मैं मैं भी खुश हूं मैं भी खुश हूं जब मेरा प्रधानमंत्री को इज्जत मिलता है आपने पहले कभी देखा है। की प्राइम के प्राइम पैर है, इंडिया कि पीएनजी पैर छूने की बात तो शायद पहली बार देख रहा लेकिन मैं ये कहूंगा कि जब प्रेजिडेंट बाराक ओबामा से पूछा गया कि आपके प्रेसिडेंट होते हुए अनुभव में कौन थे दुनिया के नेता जो आपको बहुत इम्प्रेस किए पहला नाम उसने उठाया मनमोहन सिंह साहब का ऐसे भी नहीं, इसमें कोई शक नहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह की तो पूरी दुनिया में आ, ऐसे भी नेहरू साहब के बारे में आ, जब वो स्वेज़ क्राइसिस में उसने इन्वॉल्व करके वो स्वेज़ क्राइसिस को सॉल्व किया अरे पाकिस्तान के लोग उनके बारे में शहरी लिखते थे तो हमारे मेरे ख्याल में भारतीय नेतृत्व एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जब भारत के नाम पे एक प्रधानमंत्री कुछ अच्छी चीज़ें करते हैं हम सब लोग खुश होने चाहिए